शिवाजी भाई साहब राम राम जी। राम राम। जय गो माता भाई साहब। आज की वीडियो में कितनी गायें दिखाएंगे जी? आज जयपाल जी 7 गाय और 1 बछड़ी। 7 गाय और 1 बछड़ी भी है। तो बछड़ी की ज्यादा लालसा रहती है जी, जो दर्शक देख रहे हैं उनकी। बहुत कस्टमर है ना, हमेशा बोलते हैं सर जी हमें बछड़ी लेनी है, बछड़ी लेनी है, इसके लिए आज बछड़ी लेके आए। हाँ, ये जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन की बात मैं पहचानता हूँ जी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ अगर बछड़ी दिख जाए तो वो वीडियो ज़्यादा चलने लग जाता है। उस बछड़ी को लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो जी उसमें बजट छोटा रहता है, छोटा रहता है गाय से कम हमसे, और दूसरा उसमें ये फायदा नज़र आता है कि घर में अगर पालेंगे तो घर वालों के मन के मुताबिक परवरिश हो जाएगी, परवरिश हो जाएगी, और दूसरा उसका स्वभाव भी उनके साथ सेट हो जाएगा। वो जब तक ब्याएगी, बच्चा देगी, दूध देगी, तब तक घुल मिल जाएगी। महाराष्ट्र के कस्टमरों की बछड़ी की इतनी डिमांड रहती है ना सर जी। हाँ। लेकिन क्या होता है, गाड़ी में अपने को परमिशन नहीं मिलता उसका। हाँ। महाराष्ट्र में हर कोई कस्टमर फोन करता है ना। हाँ। वो बोलता है यार हमें छोटी बछड़ी चाहिए, छोटी बछड़ी चाहिए। हाँ। लेकिन क्या है, परमिशन नहीं बनता ना, इसके लिए महाराष्ट्र में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ। सही है। हाँ। लेकिन पसंद बछड़ी की ज्यादा है, बछड़ी ज्यादा करते, क्योंकि एक साल भर 2 साल की बछड़ी अगर घर में खुली भी घूमती रहे तो आनंद मिलता है। तो आज की वीडियो में भी एक बछड़ी दिखाएंगे, बछड़ी दिखाएंगे और बाकी सभी गायें कवर करेंगे, पूरी डिटेल लेंगे जी आपसे। सबसे पहले जानेंगे आपका अपना यहाँ का एड्रेस, पता बता दो जी पूरा। लूनकर सर सर जी, लूनकरण सर। हाँ, जिला बीकानेर है, राज्य राजस्थान है। ठीक है जी। तो राठी नस्ल का और साहिवाल नस्ल का गढ़ कहा जाता है, या थारपारकर कम संख्या में मिलती है। हाँ, थारपारकर थोड़ी, लेकिन राठी और साहिवाल तो जी भरमार है, भरमार है। अगर देसी गायें पालने के अगर आप इच्छुक हो और उसमें अगर राठी और साहिवाल नस्ल की गाय पे काम करना चाहते हो और अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपका काम बेकार है, क्योंकि आप अगर मान लो सोने के गहने पहनना चाहते हो और आप सोचो जौहरी के पास नहीं जाएं, सुनार के पास नहीं जाएं, तो सोना तो जी नहीं, ये बर्तनों की दुकान पे नहीं मिलता, नहीं, नहीं, नहीं मिलता है। अगर असली राठी और साहिवाल खरीदनी है तो आपको लूनकरण सर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में वो सभी गायें देखेंगे, मोबाइल नंबर भी शेयर कर दो जी ताकि दर्शक यहाँ पहुँच पाए। नंबर है सर जी 6698-32-70-60। ठीक है, दूसरा नंबर भी बता दो जी। 4992-33-977। ठीक है जी, एक बार दोबारा से रिपीट कीजिएगा। 4992-33-977। ठीक है जी, ये दोनों मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, दोनों में से किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, भाव भी एक ही मिलेंगे? एक ही मिलेगा सर, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई सस्ते में बेचने वाला हो? एक ही मिलेगा, ताकि जो सस्ते में बेचता हो उसके बाद ज्यादा फोन करें, ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी नहीं है, तो एक ही प्राइस में मिलेगी, प्राइस में मिलेगा। ठीक है जी, दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि दोनों पे बात करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कीमत कम मिल रही है, जहाँ भी कम मिले वहीं तुरंत डील कर लें। ठीक है जी, डिटेल लेंगे जी, उससे पहले कीमत की रेंज जान लेते हैं, फिर क्या कीमत रखोगे आज अपने पास सर जी? 31,000 रुपए लेकर 51,000 तक की गाय, 31,000 से शुरू हो जाएगी। कीमतें भी है ना? हाँ, मिनिमम रखी है, मिनिमम रखी है। गाय अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, कीमत कम है और गाय अच्छी नहीं है, दर्शक पहचान जाते हैं जी। हाँ। जैसे ही गाय की झलक देखते हैं, हाँ, उनके दिमाग में कीमत आ जाती है, अगर वो दोनों चीजें मैच नहीं करती है तो जी वो गाय नहीं पसंद करते, गाय के हिसाब से कीमत वो तुरंत डील कर लेते हैं। तो आज जो गाय देखेंगे उसकी शुरुआत यहीं से करेंगे जी। एक नंबर वाली गाय की डिटेल दे दो जी पहले। ये गाय सर जी दूसरे ब्यात में ब्याई है, दूसरे ब्यात में ब्याई है, पीछे बछड़ी है उसके, फीमेल काफ। तो शुरुआत जी हर बार की तरह इस बार भी बछड़ी से ही हो रही है। तो पूरी डिटेल ले रहे हैं। दूध कितना तैयार है जी अभी सर? इसका? जी अभी 12 लीटर दूध तैयार है, अभी 10 दिन हो गए ब्याने को इसको। अच्छा, बेबी को 10 दिन हो चुके हैं। ठीक है, और कितने दूध तक जाने की उम्मीद? दूध सर जी 14 दे सकती है, लेकिन हम 12 ही बोल के देंगे। आप 12 ही बोल के दोगे, आगे जाके किसान के घर पे ज्यादा प्रवेश अच्छी हो जाएगी ना, तो 14 दे सकती है, लेकिन हम 12 ही बोल के दे रहे हैं। आपके पास 12 रेडी? 12 रेडी है, 12 निकाल तो जो आपके पास 12 तैयार है उसी के बारे में दावा करोगे? उसी के दावा। ठीक है जी, कीमत क्या लोगे जिसकी? कीमत उसकी 45,000 है सर जी। 45,000, 45,000 रुपीज। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा यहाँ से सब जगह के लिए? ट्रांसपोर्ट सर जी उतना उनका लगेगा, जो गाय खरीदा उनका लगेगा, उनका लगेगा, चार्ज उनका लगेगा, फैसिलिटी मिल जाएगी? फैसिलिटी मिल जाएगी। कहाँ कहाँ के लिए मिल जाती है जी? हर जगह भेजेंगे सर जी, आज कहीं भी हो, कहीं भी हो, सब जगह पे भिजवा दोगे। ठीक है, दूसरी गाय और देख लेते हैं आपकी। तो ये 2 नंबर पर बंधी हुई है, बंधी 2 नंबर पर है, क्वालिटी में 1 नंबर है, पहले ब्यात में ही है सर जी, पहले ही ब्यात में, मुंह में 2 ही दांत है। अच्छा, मुंह से 2 दांत और पहला ब्यात? पहला ब्यात। खारकी कहते हैं जी पंजाब में, हरियाणा में,
ऐसी गायों को जो पहले ब्यांत के अंदर रहती है, खारकी कहलाती है। क्या डिटेल है जी बेबी को, टाइम कितना हो गया है इसको? सर जी 7 दिन हुए हैं बेबी को। अभी 10 लीटर दूध इसका तैयार है। अच्छा, हाँ। कितने दूध तक उम्मीद करके लें जी? 12 लीटर दे सकती है सर जी। 12 दे सकती है, क्योंकि 7 ही दिन ब्याह हुए हैं। 15-20 दिन तक दूध अमूमन बढ़ता है गाय में, पहले ब्यांत के अंदर तो जरूर से बढ़ता है। ठीक है, और बच्चा क्या है इसके साथ? इसका बछड़ा है सर। बछड़ा है, मेल काफ है। कीमत क्या रखोगे जी? कीमत उसकी सर जी 40,000 रुपए। 40,000 रुपीज। 40,000 रुपए कीमत है। और बछड़ी गोल मटोल है, छोटे छोटे सींग आए हैं, बहुत ही छोटे साइज के, नहीं के बराबर साइज के हैं। ठीक है जी, तीसरी गाय और देख लेते हैं आपकी। शिवाजी भाई साहब 3 नंबर पर साहिवाल। 3 नंबर पर साहिवाल सर जी, दूसरे ब्यात में बही है। अच्छा, इसके पीछे भी बछड़ी है। ज्यादा गाय ब्याई हुई है। हाँ। और इसके साथ बछड़ी है। बछड़ी है, फीमेल काफ है। आपने शुरू में बताया था जी एक ही गाय गैबिन है, तो जिनको गैबिन चाहिए वो भी इंतजार करें, गैबिन भी मिलेगी गाय, और एक बछड़ी भी दिखाएंगे। कितने दिन की ब्याई होगी जी ये? सर जी 12 दिन हो गए उसको अभी। हाँ, और साथ में बछड़ी है। साथ में बछड़ी है। और दूध कितना तैयार? दूध सर जी इसका अभी 12-13 लीटर तैयार है। तो 12 दिन की ब्याई भी है और 12 लीटर दूध लेके जाएगी बछड़ी के साथ। ठीक है जी, और कितने दूध तक और उम्मीद करके लें जी? उम्मीद तो सर जी 14-15 भी दे सकते हैं, लेकिन हम तो उसको 13 लीटर बोल के देंगे। 13 लीटर बता के दोगे? बता के देंगे। ठीक है जी, और बताने से क्या फायदा सर जी? जयपाल जी 20 लीटर भी बता सकते हैं, निकालना चाहिए दूध उतना। हाँ, बताने का मतलब है जी, जो दर्शक देख रहे हैं वो जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, ताकि जो आप जानकारी दो उससे वो मिलान कर ले, मिलान कर ले कि जो उन्होंने मन में सोच रखा है कि गाय कैसी होनी चाहिए, कैसी दूध क्षमता की होनी चाहिए, अगर उससे मैच करती है तो वो खरीद सकते हैं। कीमत क्या लोगे जी इसकी? कीमत उसकी 45,000 रुपए। 45,000, 45,000 रुपीज। ठीक है जी, गाय 3 कवर होगी, ये चौथी और दिखा दो। तो शिवाजी भाई साहब ये आ गई 4 नंबर पर। 4 नंबर पर राठी, 4 नंबर पे है, लेकिन 1 नंबर वाली गाय नहीं। हकीकत में जी ये झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राठी नस्ल की गाय के गढ़ में पहुंचे हुए हैं, और गढ़ में अगर ऐसा नगीना मिल जा रहा है तो चूके नहीं, हकीकत में राठी है, प्योर राठी। कौन से ब्यांत में जी? दूसरे ब्यांत में सर जी। दूसरे ब्यांत में ये भी ब्याई हुई है? हाँ, ब्याई हुई है सर जी। कितने दिन की? ये सर जी 8 दिन हो गए ब्याने को। 8 दिन की ब्याई हुई है। तो इसके साथ बच्चा? बछड़ा है सर जी। बछड़ा है, मेल काफ है। तो दूध इसका कितना रेडी जी? दूध सर जी इसका अभी 12 लीटर तैयार है। 12 लीटर तैयार है। कितने दूध तक जाएगी? 12 ही बोल के देंगे सर जी, दूध तो अपने सेवा पे हो जाएगा किसान के घर। हाँ, तैयार दूध 12 है। 12 है तो 12 दूध निकाल के चेक कर सकते हैं। चेक करवा दोगे? हाँ, चेक करवा। वीडियो कॉल पे? हाँ, वीडियो कॉल पे। एक टाइम, तीन टाइम, कितने टाइम निकाल ले? कितने टाइम भी निकाले। और अगर यहाँ आए तो जी? यहाँ आए तो उनके हाथ से निकाले सर जी खुद। अच्छा। हाँ। कुछ व्यवस्था है यहाँ रुकने ठहरने की? की अपने पास सुविधा है सर जी। सुविधा है? हाँ, सुविधा है। ठीक है, कीमत क्या लोगे? भी एक साथ आए ना तो अपने पास सब सुविधा। कितने जी? 10 बंदे एक साथ यहाँ आ जाएगा ना। अच्छा, तब भी रुकने की सुविधा मिल जाएगी। क्या कीमत लोगी इसकी? इसकी कीमत सर जी 55,000। ठीक है जी, तो शिवाजी भाई साहब इस गाय की भी डिटेल दे दो जी। सर जी दूसरे ब्यात में है। दूसरे ब्यात में? ये कितने दिन की ब्याई होगी? ये सर जी ब्याई अभी 10-12 दिन हो गए उसको। 10-12 दिन की ब्याई भी है। स्वभाव आपके सामने है। हाँ। स्वभाव की परख कर सकते हैं। इसके साथ बच्चा क्या है? बछड़ी है सर जी। फीमेल काफ। हाँ, माँ जैसी बछड़ी है। अच्छा। हाँ। इसी रंग में? इसी रंग में, जो राजस्थान में देसी गाय बोलते है ना। हाँ, वो देसी गाय सर। देसी गाय, प्योर देसी, जिसको कहते हैं शुद्ध देसी। देसी गाय बोलते हैं, प्योर देसी गाय। ठीक है जी, राठी साहिवाल भी देसी है, लेकिन जो यहाँ की बिल्कुल आसपास के 50 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया की जो देसी गाय है, जिसके थनों के अंदर काले स्पॉट मिलते हैं, छोटे छोटे काले स्पॉट, छोटे छोटे डॉट मिलेंगे, वो है। क्या दूध क्षमता की है जी? सर जी दूध इसका अभी 12 लीटर तैयार है। 12 रेडी है? रेडी है। कितने दूध तक की उम्मीद है? दूध 14 भी दे सकती है सर जी, 12 ही बोल के देंगे। अच्छा, 7 लीटर एक टाइम का दे देगी? दे देगी। ठीक है, और 12 की आप बता के दोगे, कीमत क्या लोगे? कीमत उसकी मात्र 35,000 रुपए। 35,000, 35,000 रुपीज। ठीक है जी, एक गाय और है ब्याई हुई आपके पास? हाँ, मेरे पास। तो ब्याई हुई गाय ये लास्ट है। हाँ, वैसे तो इसके बाद 2 गायें और एक गाय और एक बछड़ी और दिखेगी। हाँ। तो ब्याई भी में ये लास्ट है। लास्ट है। ये कितने दिन की ब्याई होगी? ये सर जी हो गई अभी 8 दिन हो गए। 8 दिन की ब्याई भी है। इसके साथ बच्चा? बछड़ी है सर जी। बछड़ी, माँ जैसी ही बछड़ी है। अच्छा। हाँ। तो शुरुआत भी बछड़ी से हुई थी। हाँ, और ब्याई भी गाय में लास्ट भी जो है वो बछड़ी वाली ही है। तो जो दर्शक बछड़ी वाली गाय का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार यहाँ पूरा हो रहा है। इसके बाद क्या बिन गाय दिखाएंगे? कितने दिन की ब्याई होगी जी? 8 दिन हो गए सर जी। 8 दिन की। और बच्चा? बछड़ी है। बछड़ी है।
कितना दूध है जी अभी रेडी? दूध सर जी उसका अभी 12 लीटर तैयार है। 12 लीटर रेडी है? हाँ रेडी है। कितने दूध तक और जाने की उम्मीद जी? 12 ही बोल के देंगे सर जी, 12 ही बता के देंगे। तो लगभग जो गायें आपकी ब्याई हुई है उनमें दूध तैयार है? तैयार दूध है। ये संतोष की चीज है कि जो दूध तैयार है तो उतना तो दूध निकाल के चेक कर सकते हैं, बाकी तो सब उम्मीदों पे है। तैयार दूध है उसका कोई बराबरी नहीं है। कीमत क्या लोगी जिसकी? कीमत उसकी 38,000 है सर। 38,000, 38,000 रुपीज। बछड़ी वाली गाय है और खूबसूरत रंग के साथ शानदार अडर क्वालिटी में है। गैबिन गाय वो भी देख लेते हैं। तो ये वाली गाय गैबिन गाय है? ये सर जी पहले ब्यात में मुंह में दो ही दांत है। अच्छा, मुंह से दो दांत और पहला ब्यात। बॉडी स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, छोटे छोटे सींग आए हैं, बड़ा हम्प है, भारी झालर है, चौड़े कान है और गठीला शरीर है। शरीफ भी है? शरीफ है बहुत। अच्छा, गैबिन है? हाँ गैबिन है सर जी। कितने टाइम की? 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। 7.5 महीने की प्रेग्नेंट। बनाना स्टार्ट कर दिया अभी तो लगभग 1.5-2 महीने ले जाएगी। डेढ़ महीना तो पक्का ही लेगी जी। ये तो 9 महीने में बह जाए तब 1.5 महीना, 10 दिन ऊपर ले तो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या दूध उम्मीद करें जी पहले ब्यात में? पहले ब्यात में सर जी ये दूध निकालेगी 12 लीटर, क्योंकि जिस घर से लेके आए ना, हाँ, उसकी माँ का भी तीसरे ब्यात में 18 लीटर दूध है। अच्छा, इस बछड़ी की, बछड़ी कहेंगे जी पहले ब्यात? हाँ, में पहले इसके माँ का है ना अभी, हाँ, तीसरे ब्यात में 18 लीटर दूध दे रही है। ठीक है, तो इसकी कीमत क्या लोगे शिवाजी भाई साहब? कीमत सर जी आज है ना 41,000 रुपये ही देनी है। 41,000 में देनी है? ठीक है जी। तो इसके बाद एक बछड़ी बची हुई है वो भी देख लेते हैं फिर। तो जिस बछड़ी का इंतजार था वो खूबसूरत बछड़ी अभी आ रही है। बछड़ी के बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं भाई साहब से। क्या उम्र की है जी ये? ये सर जी 14 महीने की हुई है। 14 महीने की? हाँ, 14 महीने। 14 महीने उम्र है? हाँ। तो सवा साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। सवा साल भी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या डिटेल है जी इसकी मदर की? सर जी इसकी मदर की अभी दूसरे सेकंड ब्यात में 16 लीटर दूध निकाल रही है। अच्छा, सेकंड लैक्टेशन में 16 निकाल रही है? ठीक है, तो ये तो अभी 16 महीने की हुई है? 14 महीने? 14 महीने की? 14 महीने की हुई है। उम्र इसकी 14 महीने है। ठीक है जी, खूबसूरती शानदार है, ब्रीडिंग करने लायक भी है और घर में पालने लायक भी है। बछड़ी खूबसूरत भी है और साथ में बिना सींग वाली है, सींग ठपवाए हुए। हाँ, सींग ठपवाए हुए सर। ठीक है जी, कीमत क्या लोगी इसकी? मात्र 15,000 रुपये। 15,000 रुपये? 15,000 रुपये में बछड़ी मिल जाएगी। अगर साल भर की परवरिश करें तो बढ़िया गाय बन जाएगी। ठीक है जी, तो खूबसूरत खूबसूरत गाय दिखाई है जी आज, और स्वभाव में भी ठंडी है, ये भी परख कर ली है। फिर भी दर्शकों से ये अनुरोध फिर करूँगा कि आप भी आ जाएं जी। तीर्थ का मतलब ये नहीं होता कि उसकी फ़ोटो देख लें, तीर्थ का मतलब ये होता है वहाँ जाएं, पिछली गंगा की फ़ोटो नहीं, गंगा में जाके स्नान करें। पिछली वीडियो में मैं ये भी बोला था सर जी, यहाँ जो आने का किराया है ना, हाँ, मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ जो लोग गाय देखने आते हैं ना, हमें भी खुशी लगती है। हाँ, तो यहाँ खुद आके खरीदता है ना, हाँ, उसमें क्या होता है, उनको सब गाय यहाँ क्या खाती है, कैसे रहती है, ये सब है ना, देख पाएंगे बाहर के लोग। सही है, हकीकत में गायों की परवरिश ऐसे कम शुष्क वातावरण में भी कैसे की जा सकती है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पीने को पानी भी कम मिलता है, हरा चारा भी उपलब्ध कम रहता है। चारा नहीं है सर जी? हाँ, यहाँ यहाँ से 50 किलोमीटर हरा कहीं नहीं दिखाई देगा। हरा कहीं नहीं दिखाई, हरा तो सिर्फ ये जो नेट है, जो ये बार भाई साहब ने लगा रखी है, वही हरा तो बस यही हरा हरा दिखाई देगा। बाकी गायों के चरने के लिए हरा हरा मिलेगा ही नहीं, नहीं उपलब्ध है। फिर भी ये गाय ऐसी अष्टपुष्ट रह जाती है, ऐसी परवरिश यहाँ आगे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ घरों में गायें पाली जाती है। कैसा रहा व्यूअर्स आपका अनुभव वीडियो देख के, हमें ज़रूर से कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाय पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें, ताकि देसी गोवंश को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम को बल मिले। हमने लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र अप डाउन किया है यहाँ आने के लिए, तो आप भी मेहनत करें और थोड़ी हिम्मत दिखाएं। ऐसी गर्मी का मौसम जरूर है, लेकिन व्यवस्था यहाँ अच्छी है ठहरने की। ठीक है जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, जय गौ माता, जय गौ माता।